हेलो ऑल, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज ही हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, आपका पेपर इट विल बी बेस्ड ऑन टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो सेक्शन ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा। सो आपकी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल ने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट कवरिंग 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे एट जस्ट ₹999। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। इन दिस वीडियो वी विल लुक एट एमसीक्यूज ऑन मीनिंग ऑफ रिसर्च। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमको रिसर्च की डेफिनेशन फाइंड आउट करना है। सो एज यू नो, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टडी करेंगे। सो आपको रिसर्च की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्शंस। सो हियर फर्स्ट विल सी ऑप्शन सी, सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं, इस स्टेटमेंट को इट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, वेयर विल गो आफ्टर वी डाई। ओके, सो आफ्टर वी डाई, देन नेक्स्ट एग्जांपल इज यू कैन टेक, हम दुनिया में क्यों आए हैं। ओके, व्हाई हैव वी कम टू द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज नोन एज स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो बट हमको पता है स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रिसर्च, दैट मीन्स हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, अराइविंग एट जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा। सो दिस इज नोन एज डेटा एनालिसिस। ओके, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, डेटा एनालिसिस ये रिसर्च प्रोसेस की एक स्टेप होती है। सो हम रिसर्च प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं? फॉलोइंग स्टेप्स में, लाइक पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डेटा कलेक्शन। देन आफ्टर दैट उस डेटा को हम एनालिसिस करते, दैट इज नोन एज डेटा एनालिसिस। और यू कैन से हम उस डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी इंटरप्रेट दैट डेटा, और यू कैन से वी डू इंटरप्रिटेशन ऑन दैट डेटा, और यू कैन से वी फाइंड आउट कंक्लूजन, हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते। सो दिस इज नोन एज रिसर्च प्रोसेस, और यहाँ पर डेटा कलेक्शन एक रिसर्च प्रोसेस की एक स्टेप होती है। सो ऑप्शन बी, इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस, दैट मीन्स ये ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन ए, अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड। सो स्टूडेंट्स हियर साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन रिसर्च रिसर्चर अपनी रिसर्च में साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। एंड अगेन, जब भी आपको रिसर्च की डेफिनेशन फाइंड आउट करना है, सो रिसर्च की डेफिनेशन में रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस थ्री वर्ड्स इज वेरी आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज साइंटिफिक, देन सेकेंड इज सिस्टमैटिक। ओके, सिस्टमैटिक मीन्स वॉट? जब भी हम रिसर्च करते हैं, सो या फिर रिसर्च रिसर्च करते हैं, तो अपनी रिसर्च में कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और यू कैन से कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्च शुड नॉट बी रैंडम, हमारी रिसर्च रैंडम नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड वर्ड, और यू कैन से थर्ड टर्म इज ऑब्जेक्टिव। ओके, सो ऑब्जेक्टिव मीन्स वॉट? के हम जो रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च का गोल क्या है, एम क्या है, रिसर्चर को रिसर्च क्यों करना है। ओके, सो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। देन रिसर्च इज फॉर क्रिएशन ऑफ, और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सो हियर यस, रिसर्च में हम कुछ न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं, और उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे सोसाइटी में पॉवर्टी को डिक्रीज करना है। ओके, पॉवर्टी को हमको डिक्रीज करना है, सो रिसर्चर अपनी नॉलेज अप्लाई कर कुछ न्यू नॉलेज अप्लाई कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक, प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ओके, रिमेंबर स्टूडेंट्स, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर थ्री वर्ड्स, और यू कैन से थ्री टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। फर्स्ट इज साइंटिफिक, सेकेंड इज सिस्टमैटिक, एंड थर्ड इज ऑब्जेक्टिव। ओके,
So I hope the meaning or the definition of research is clear to everyone. Next question. Which one of the following statements is not correct? So students, here हमको ये find out करना है इस question में कि कौन सा option research से connected or linked नहीं है. Okay. So let's see option A. Any person can do research. Yes, it is right. Research कोई भी perform कर सकता है, चाहे वो doctor हो, engineer, or you can say student, teacher, कोई भी perform कर सकता है research. Okay. So let's take an example. Examples के through हम समझते हैं. जैसे टीचर अगर क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों को टीच कर रही है और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, सो टीचर क्या करेंगे, अपने टीचिंग मेथड चेंज कर लेंगी. ओके, मेथड को, अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर लेंगी. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च, ताकि स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को इजिली अंडरस्टैंड कर सके. ओके, दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज लिंक्ड विथ रिसर्च. बट हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि विच ऑप्शन इज नॉट लिंक्ड विथ रिसर्च, दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, रिसर्च में बी विदाउट हाइपोथेसिस. सो हियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस आपके लिए एक न्यू वर्ड है. हाइपोथेसिस मीन्स वॉट, रिसर्चर आपने रिसर्च में एट द बिगिनिंग में कुछ क्वेश्चन जनरेट करता है. जैसे एक फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग है, वो ड्रग कैंसर को ट्रीट कर रहा है, बस रिसर्चर ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पर्टिकुलर ड्रग इस कैंसर को क्योर कर सकता है. सो बाद में रिसर्चर इस पर रिसर्च करेंगे और रिजल्ट कंक्लूड करेंगे, बट हाइपोथेसिस मीन्स कुछ स्टेटमेंट्स डेवलप करना. ओके, सो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, रिमेम्बर, जरूरी नहीं है हर रिसर्च में हम हाइपोथेसिस डेवलप करें. ओके, सो कुछ स्टडी ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइपोथेसिस की कोई जरूरत नहीं होती है. सो लेट्स सी एग्जांपल, इफ रिसर्चर और इफ एनीवन वांट टू एक्सप्लोर अबाउट द बटरफ्लाइज. ओके, सो बटरफ्लाइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को फाइंड आउट करना है कि बटरफ्लाइज की मूवमेंट क्या होती है, बटरफ्लाइज के आईज कलर. ओके, सो दिस इज नोन एज एक्सप्लोरिंग सम एरिया टू, वो क्यूरियस है, उनको बस अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग रिसर्च. दैट मीन्स हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो लिंक्ड विथ रिसर्च, सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी, रिसर्च इज नॉट ऑलवेज सिस्टमैटिक, सो दिस इज incorrect about research. So that's why here option C is correct, because research must always be systematic. Research systematic honi chahiye, because jab bhi researcher research perform karte, so kuch steps mein, or you can say some structure follow karte while doing research, so tabhi hi research valid kehlayengi. Varna agar रिसर्चर अपने रिसर्च में सिस्टमैटिक मैनर्स यूज नहीं करते, सो उस रिसर्च को हम इनवैलिड हो जाती है, वो रिसर्च को हम इनवैलिड कह सकते हैं. दैट मींस हियर ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च, सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, रिसर्च इज रिलेटेड विथ. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्च से कनेक्टेड है और लिंक्ड है. ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए, डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया. सो यस, रिसर्च हमें हेल्प करता है कोई न्यू थिंग्स और न्यू चीज को डेवलप करने में. कैसे, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे आप देख सकते हो आपके आसपास जो भी थिंग्स है, कंप्यूटर्स, ओके, लैपटॉप्स, और यू कैन से मोबाइल फोन्स. ओके, तो ये जो डिवाइसेस है, ये हमने क्यों डेवलप कर पाए रिसर्चर, बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज. ओके, दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज linked or related with research. Then option B, solution of a problem. So again, yes, research connected hai kisi bhi problem ka solution find out karne mein. Kaise, so again let's take an example. Jaise COVID-19 disease thi, so us disease ke against researcher ko vaccine develop karna tha. Okay, so is vaccine ko develop karne mein again research ne madad kiya. That means here option B is also related with research. Then option C, investigation of a problem. So investigation means what? Examine करना. Okay? किसी भी problem को in depth जानना. Okay? So yes, research भी help करता है हमें किसी problem को उसको in depth में
और अच्छे से जानने के लिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. दैट मीन्स हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद रिसर्च. सो हियर ऑल दिस ऑप्शन आर रिलेटेड विद रिसर्च. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑल द अबव. ओके नेक्स्ट, वॉट इज द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च. ओके सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि रिसर्च, जब हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो रिसर्च क्यों परफॉर्म करते हैं. सो क्या एम होता है हमारा रिसर्च परफॉर्म करने का. ओके सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्शन. ऑप्शन ए, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. ओके सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग एनी रिसर्च. कोई किसी भी रिसर्च का आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप होता है. तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई क्यों करते हैं रिसर्च में, और रिसर्चर क्यों आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो एक एग्जांपल है कि एक पर्सन विच इज सिक. ओके एक पर्सन है जो कि सिक है. सो उसको एक ऐसी डिसीज हुई है जो कि न्यू है. ओके सो डॉक्टर्स क्या करेंगे उस डिसीज को, और उस डिसीज को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसर्च. ओके उस डिसीज को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसर्च. सो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम किसी भी रिसर्च का क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया. देन दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च. देन ऑप्शन बी, टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो यस, टू सॉल्यूशन फाइंडिंग इज ऑल्सो अ पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च. सो सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं, एग्जाम्पल. सो यहाँ पर आपने देखा कि एक पर्सन को न्यू डिसीज हुई थी जिसके अगेंस्ट डॉक्टर ने यहाँ पर रिसर्च किया था कि उस डिसीज को फाइंड करे. ओके उस डिसीज को आइडेंटिफाई करे. देन उस आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन डॉक्टर क्या करेंगे, उस डिसीज के अगेंस्ट कुछ ट्रीटमेंट और यू कैन से कुछ ड्रग्स डेवलप करेंगे. ओके सो दिस इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ओके सो दैट मींस हियर ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च. ओके नेक्स्ट, व्हाट इज रिसर्च. सो हियर इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च की करेक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है. ओके सो लेट्स सी ऑप्शन ए, सर्चिंग अगेन एंड अगेन. सो सर्चिंग अगेन एंड अगेन इट इज नॉट रिसर्च, बिकॉज हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे आप डेली बुक, कोई बुक रीड कर रहे हो. ओके आप कोई बुक को डेली रीड कर रहे हो विदाउट फाइंडिंग एनी न्यू थियोरीज, और यू कैन से न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडिया. सो इट इज नॉट रिसर्च. ओके देन ऑप्शन ए हियर इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस. ये एक रिसर्च प्रोसेस है. ओके सो रिसर्च प्रोसेस कैसा हम करते हैं, बाय कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. देन उस पर हम एनालिसिस, उस इंफॉर्मेशन और उस डेटा पर हम एनालिसिस करते हैं, और यू कैन से ऑब्जर्व करते हैं, और हम फाइनली कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं. सो इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस, इट इज नॉट रिसर्च. That means your option B is also incorrect. Then option C, working in a scientific way. So remember students, here scientific word is very important, because जब भी researcher research करते हैं तो वो अपनी research में scientific methods use करते हैं. And again, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, research की definition में these three words are very important: scientific, systematic and objective. Okay. Then नेक्स्ट वर्ड आ, टू सर्च फॉर ट्रूथ, या हम रिसर्च में नए फैक्ट्स, ओके और कुछ न्यू इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, और उसी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते. सो यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिसर्च. सो यह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, रिसर्च रिफर्स टू. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हम किस ऑप्शंस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं. ओके सो ऑप्शन ए, रूटीन एक्टिविटी. रूटीन एक्टिविटी मीन्स व्हाट, जो आप डेली करते हो. ओके जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली कॉलेज जा रहे हो. ओके सो आप इस यहाँ पर कुछ न्यू आइडिया और न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू थियोरी डेवलप नहीं कर रहे हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, एनुअल एक्टिविटी. एनुअल एक्टिविटी मीन्स जो आप ईयर में एक बार करते हो. ओके सो एग्जाम्पल जैसे आप वेकेशन पर जा रहे हो. ओके
आप वेकेशन पर जा रहे हो ईयर में एक बार, सो विदाउट अगेन आप यहाँ पर कुछ न्यू आइडिया न्यू कॉन्सेप्ट फॉर्म नहीं कर रहे हो, डेवलप नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स योर ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी ओकेजनल एक्टिविटी, ओकेजनल एक्टिविटी मीन्स जो आप सम टाइम परफॉर्म करते हो, ओके समटाइम्स। सो अगेन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, न्यू आइडिया न्यू कॉन्सेप्ट न्यू थियोरी डेवलप नहीं कर रहे हो, बिकॉज न्यू रिसर्च में हमें कुछ न्यू थियोरी डेवलप करना होता है, दैट मीन्स योर ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी, सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज हम रिसर्च में फैक्ट्स फाइंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाई स्काई इज ब्लू, अर्थ इज राउंड, ओके सो व्हाई द प्लांट इज ग्रीन, ओके सो दिस आर फैक्ट्स, और इस पर रिसर्चर ने पहले रिसर्च किया होगा तभी हमको पता चला कि अर्थ राउंड है, ओके सो फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी इज रिसर्च रिलेटेड और इज रिफर्स टू रिसर्च, सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिफाइन द रिसर्च प्रोसेस, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है, so let's see options, option A a method of collecting research data, so it is also known as data collection, okay, so remember students data collection ye research process ka ek step hota hai, that means it is not the definition of research process, so here option A is incorrect, then option C a method of presenting research result, so remember students research result jo hota hai it is the last step of रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस की ये एक लास्ट स्टेप होती है जहां पर रिसर्चर अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं इन आर्टिकल्स और यू कैन से इन पेपर्स और इन जर्नल्स, ओके सो ऑल्सो ऑप्शन सी क्या है, रिसर्च प्रोसेस का एक स्टेप है, दैट मीन्स ये ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी द स्टेजेस और स्टेप्स द रिसर्चर फॉलोज इन कैरिंग आउट द रिसर्च प्रोजेक्ट, so yes this is the correct definition of research process, so research process में researcher कुछ steps perform करते हैं, कुछ steps follow करते हैं research को form करने में और research को आगे बढ़ाने के लिए, so what they are steps क्या होते हैं research में, so let's see, और research के process, research को process किसको कहते हैं हम, so first step of research process is problem identification, okay देन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं डेटा को कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डेटा कलेक्शन, या फिर यू कैन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन उसको ऑब्जर्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं उस डेटा पर, देन उस पर हम कंक्लूजन फाइंड करते हैं एंड फाइनली हम और रिसर्चर रिजल्ट फॉर्म करते हैं, ओके सो दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, सो इन सारे स्टेप्स को मिलाकर हम इसको कहते हैं रिसर्च प्रोसेस, ना कि एक पर्टिकुलर स्टेप को हम रिसर्च प्रोसेस कहेंगे, ओके सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पायलट स्टडी, सो इस क्वेश्चन में हमें पायलट स्टडी क्या होता है ये फाइंड आउट करना है, सो लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन बी एंड सी, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स पायलट स्टडी में पायलट्स एंड एयरप्लेन्स इन्वॉल्व नहीं होते, दैट मीन्स योर ऑप्शन बी एंड सी आर इनकरेक्ट। देन ऑप्शन ए अ स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी, यस पायलट स्टडी क्या होते हैं जो हम स्मॉल स्केल पर स्टडी करते हैं कुछ प्रोजेक्ट और कुछ प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट करने के लिए वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील प्रोग्राम, ओके सो गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया था स्टूडेंट्स में ये फाइंड आउट करने के लिए कि स्टूडेंट्स एजुकेशन की तरफ आ रहे या नहीं, ओके सो इसके थ्रू इस प्रोजेक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को स्कीम को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था, सो ये फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, सो यस गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया इसको एक कंट्री में लॉन्च किया, यानी जब हम देखते हैं हमारा कुछ प्रोजेक्ट एक स्मॉल स्केल पर परफॉर्म गुड परफॉर्म करता है सक्सेसफुल होता है तो हम इसको क्या करते हैं लार्ज एरिया और यू कैन से लार्ज स्केल पर हम इसको लॉन्च करते हैं, दैट मीन्स हियर
पायलट स्टडी क्या होती है, जो भी हम हमारे प्रोग्राम स्कीम और कुछ स्टडी करते हैं तो हम पहले उसको एक स्मॉल स्केल पर स्टडी करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए वो इफेक्टिव है या नहीं, उसके रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, तब हम उसको एक लार्ज स्केल पर और लार्ज एरिया में लॉन्च करते हैं, दैट इज पायलट स्टडी. दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अ स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर मेन टास्क ऑफ रिसर्च. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मेन टास्क कौन से हैं, हम रिसर्च में मेन टास्क क्या परफॉर्म करते हैं. ओके, सो लेट्स सी, ऑप्शन ए टू लर्न न्यू थिंग्स. यस, हम रिसर्च में न्यू थिंग्स, न्यू नॉलेज गेन करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, हम रिसर्च में न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थियोरीज फाइंड आउट करते हैं, जिसके थ्रू हमें न्यू इंफॉर्मेशन और कुछ ना कुछ हम न्यू थिंग्स सीखते रहते हैं. दैट मीन्स योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट इज द मेन टास्क ऑफ रिसर्च. देन ऑप्शन बी, रिसर्च गिव्स यू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. अगेन इट इज राइट, बिकॉज रिसर्च में हम जब भी कुछ न्यू टेक्निक्स और आती है तो हम क्या करते हैं, रिसर्च में उस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह. ओके, सो अगेन ऑप्शन बी इज द मेन टास्क ऑफ रिसर्च. देन ऑप्शन सी, रिसर्च हेल्प्स विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो यस, रिसर्च हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. जैसे कोई न्यू डिसीज है, डिसीज के अगेंस्ट हमें कुछ वैक्सीन फॉर्म करनी है. ओके, सो हम क्या करते हैं, रिसर्च में उस डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन उसके अगेंस्ट हम कुछ वैक्सीन और यू कैन से कुछ ड्रग्स फॉर्म करते हैं. सो इट इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो द मेन टास्क ऑफ रिसर्च. सो दैट मीन्स हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. ओके, नेक्स्ट, हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम किसी भी रिसर्च स्टडी की इम्पोर्टेंस और इफेक्टिवनेस को कैसे जज कर सकते हैं. सो लेट्स सी, ऑप्शन ए बाय रिसर्च टाइटल. सो रिसर्च टाइटल मीन्स, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल और वन टाइटल, स्टडी ऑन COVID-19 वायरस. ओके, सो हमारे पास ये एक टाइटल है और ये एक रिसर्च स्टडी है जहाँ पर हम COVID-19 वायरस पर स्टडी कर रहे हैं. सो इस टाइटल से हमें अपनी रिसर्च की डेप्थ और इम्पोर्टेंस फाइंड आउट नहीं हो रहे, हम पता नहीं कर सकते इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. दैट मीन्स ये ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, रिसर्च ड्यूरेशन. सो इस स्टडी को करने में कितना ड्यूरेशन लगा है, 2 months या फिर 2 years, ये मैटर नहीं करता. इससे हम इस स्टडी की डेप्थ नहीं फाइंड आउट कर सकते, इम्पोर्टेंस नहीं फाइंड आउट करते. ड्यूरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट किसी भी रिसर्च की डेप्थ को फाइंड आउट करने में. दैट मीन्स ये ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन डी, बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दिस रिसर्च. सो इस रिसर्च को करने में कितना मनी स्पेंड हो गया है. ओके, 2 lakhs, 1 lakh, 2 crore. सो मनी स्पेंड इज नॉट इम्पॉर्टेंस इन एनी फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च. दैट मीन्स योर ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मीन्स वॉट, गोल. ओके, किसी भी रिसर्च का गोल. सो सपोज इस रिसर्च का गोल ये था कि हमें इस वायरस और इस डिसीज के अगेंस्ट हमें इफेक्टिव COVID-19 यू कैन से वैक्सीन फाइंड आउट करनी थी. ओके, सो दिस इज द गोल ऑफ दिस स्टडी, के हमें इस वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन डेवलप करनी थी. सो यस, हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू किसी भी रिसर्च स्टडी की डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते. दैट मीन्स योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, सो फाइनली स्टूडेंट्स, आई होप द मीनिंग ऑफ रिसर्च इज क्लियर टू एवरीवन. सी यू टुमारो विद अनदर लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.